जलंधर छावनी के अधीन आते वार्ड नंबर 15 के संसारपुर के युवा नेता लक्की बैंस तथा उनके साथियों द्वारा अपने वार्ड को स्वच्छ तथा बीमारियों से बचाने के लिए सफाई अभियान चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए लक्की बैंस ने बताया कि जिस क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया उस स्थान पर सारे इलाके का कूड़ा फेंका जाता था और गत दिनों कूड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से जहरीला धुआं निकलने लगा जो लोगों के घरों के अंदर चला गया, जिस कारण उनके वार्ड के कई बच्चे बीमार हो गए। उन्होंने कहा कि इलाके की सफाई व्यवस्था में फिलहाल नगर निगम कुछ भी योगदान नहीं दे रहा, इसीलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये फैसला लिया और इलाका निवासियों के सहयोग से सभी ने पैसे इकट्ठे कर उक्त स्थान की सफाई शुरू करवाई। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सफाई होने के बाद स्थान को पार्क की तरह बनाया जाएगा जहां पर बच्चे खेल पाएंगे। जलंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। संसारपुर जिहड़ा पूरे पिंड का कूड़ा इतने आता सी, परसों इतने अग लगन पूरा धुआं धुआं हो गया जी, जहरीला धुआं सी घर जिते, जिस नाल बच्चे बीमार हो गए कई। तो उस महल ने तो पिंड वास ने उपराला किया, अपने सारा ने रल के थोड़े थोड़े पैसे पा के सारी सफाई करवा रहे, इतने पार्क बनाने का उपराला कर रहे हैं भी जल्द तो जल्द इतने पार्क बन जाए तो जो कूड़े का कोई सोल्यूशन निकल जाए। इस बारे तुम कारपोरेशन कंप्लेट वगैरह की? कारपोरेशन कंप्लेट दी सी, वो कहें भी हाले साढ़े इलैक्शन नहीं हुए, दो इंस्पैक्टर भी गल हुई है, तो जोड़ा 15 नंबर वार्ड पाया पर इतने का सफाई वाला का कोई इंस्पैक्टर नहीं लगा है। जो बच्चे इस करके बीमार हुए उसके मेडिकल टीम भी आई सी कि चेक करने वास्ते? मेडिकल टीम नहीं आई, इस करके मीडिया के माध्यम राही अभी सरकार अगे ये खबर पहुँचा चाहते हैं कि भी जोड़ा भी कल कोई गंभीर बीमारी इतने लग जाए संसार भर बच्चों या बजुर्गों किसी भी लग सकती है, यदा जल्द तो जल्द सोल्यूशन कढ़िया जाए।